द विचर का सीजन 3 पार्ट 2 आ चुका है, यानी कि अब ये सीजन 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस सीजन को कंप्लीट देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये हेनरी कैविल के लिए एक अच्छा फेयरवेल तो नहीं था। अब देखो, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने कभी भी द विचर का गेम नहीं खेला या फिर इसकी बुक्स भी नहीं पढ़ी है, जिसकी वजह से द विचर की ओरिजिनल स्टोरी में, यानी कि गेम वाली या फिर बुक्स वाली स्टोरी में क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि द विचर इस सीरीज को लोगों ने इसीलिए देखना स्टार्ट किया क्योंकि इसका जो फर्स्ट सीजन था वो अपने सोर्स मटेरियल को पूरा जस्टिस दे रहा था, और ऊपर से गैरेट के कैरेक्टर को हेनरी कैविल ने प्ले किया है, जिन्होंने इस कैरेक्टर के लिए अपना हार्ट और सोल दे दिया है, यानी फुल डेडिकेशन से वो एक विचर बने, जिसकी वजह से लोगों को द विचर का फर्स्ट सीजन बहुत पसंद आया, जिनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन अभी ये सीजन 3 कंप्लीट देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक विचर के जितने भी सीजन आए हैं उनमें से आई थिंक ये सीजन 3 सबसे वीकेस्ट सीजन है। और मुझे ये भी सुनने में आया कि ये लोग सीजन 3 में सोर्स मटेरियल के बाहर चले गए। सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी किसी भी बुक के ऊपर या फिर गेम के ऊपर अगर कोई लाइव एक्शन अडेप्टेशन बनाई जाती है तो उसके सोर्स मटेरियल से बाहर नहीं जाना चाहिए, और यही रीजन है कि बहुत लोगों को द विचर का ये सीजन 3 पसंद भी नहीं आ रहा है। एक रीजन तो ये हो गया, लेकिन दूसरा रीजन ये है कि इस सीजन की स्टोरी बहुत वीक है। इस सीजन में गैरल्ट को भी ज्यादा कुछ करने को नहीं था। इवन अभी सीजन 3 का जो पार्ट 2 आया है उसके तीनों एपिसोड में आई थिंक गैरल्ट ज्यादातर बेड पे ही लेटा होता है। स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना समझ लो कि हेनरी कैविल का ये फेयरवेल था, और मेकर्स ने क्या किया, हेनरी कैविल को बेड पे लेटा दिया। अब ये हेनरी कैविल का फेयरवेल था तो एटलीस्ट इन लोगों ने हेनरी कैविल को एक बहुत तगड़ा फेयरवेल देना चाहिए था। दूसरी तरफ इस सीजन में येनिफर का तो कुछ अलग ही चल रहा है, यानी ऐसा समझ लो कि इस सीजन में येनिफर को मेकर्स ने सिर्फ यहाँ से वहाँ भागने का ही काम दिया है। यानी अगर आप लोग इसे सीजन 1 के हिसाब से देखोगे तो मुझे तो ऐसा लगा कि सीजन 3 में इन लोगों ने येनिफर के कैरेक्टर को तो वेस्ट ही कर दिया। और मुझे ये चीज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग सीरी को इस सीरीज का मेन कैरेक्टर बनाने के पीछे क्यों पड़े हैं। यानी अब तो ऐसा लगता भी नहीं है कि गैरल्ट इस सीरीज का लीड कैरेक्टर है। हाँ, इन लोगों ने थोड़ा सा इस सीजन में गैरल्ट, येनिफर और सीरी के बीच में इमोशंस शो करने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी बात है, जो मुझे पसंद भी आया। लेकिन इसके अलावा इन लोगों ने जो कुछ भी इस सीजन में किया वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल, पिछले महीने में सीजन 3 का जो फर्स्ट पार्ट आया था उसे जिस तरीके से इन लोगों ने एंड किया था, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि इसके सेकंड पार्ट में हमें बहुत कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो ये बहुत कम था। यानी सेकंड पार्ट में आरुटोजा पे जो हमला स्टार्ट होता है एल्फ्स की तरफ से, और उसके बाद हमें जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वो मेरे हिसाब से और भी बेहतर हो सकता था। और वहां पे हमें मेजेस के बीच में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है वो तो मुझे इलॉजिकल ही लगा। क्यों? तो पहले तो हमें ये बताया गया था कि आरुटोजा के जो मेजेस है वो वर्ल्ड के पावरफुल मेजेस है, लेकिन वो किससे हार जाते हैं? सिर्फ बो और एरो से, जिस चीज का सच में सेंस ही नहीं बन रहा था। इसके अलावा भी मुझे और भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लगी, जिसके डिटेल में तो मैं जाना चाहता हूँ लेकिन जाऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। बट हाँ, अगर इस सीजन के एक्शन की बात करूँ तो जैसा कि मैंने सीजन 3 के फर्स्ट पार्ट के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि इसकी कोरियोग्राफी मुझे सच में पसंद आई। स्वॉर्ड फाइट्स या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हमें जो दिखाए गए हैं वो मुझे सच में पसंद आए। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि हमें जो मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में फाइट दिखाई गई है, जैसे गैरल्ट या फिर सीरी किसी मॉन्स्टर से फाइट करती है, तो वो फाइट बहुत मतलब वियर्ड फील होती है। यानी सीजीआई अच्छा होने के बावजूद भी वो फाइट असली लगती ही नहीं, और इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर भी इजीली मर जाते हैं। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर खुद वेट कर रहा है कि कब आके मुझे ये मार दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सीजन में कुछ भी अच्छा नहीं है। सीजन 3 के फर्स्ट पार्ट पे जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ अच्छी चीजें भी बोली है जो मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। लेकिन अगर इस सेकंड पार्ट की बात करूं तो ये सेकंड पार्ट मुझे सच में अंडरवेलमिंग लगा। यानी सिंपली ऐसा समझ लो कि हेनरी कैविल इससे अच्छा फेयरवेल डिजर्व करते थे जो उन्हें मिला नहीं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि सीजन 3 के सेकंड पार्ट में हेनरी कैविल को एक फाइट के बाद ये लोग बेड पे ही लेटा देते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हेनरी कैविल अब एग्जिट करने वाले हैं, तो हम कुछ अच्छा देखना चाहते थे जो हमें देखने को ही नहीं मिला। जो भी है, मुझे तो लगता है कि अभी हेनरी कैविल के एग्जिट के बाद ये सीरीज तो डेड ही होने वाली है, क्योंकि सीजन 1 को देखने के बाद फैंस को लगने लगा था कि इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल तक जा सकती है। लेकिन फिर उसके बाद के सीजन देखने के बाद वो होप्स ही मर गई, और ऊपर से हेनरी कैविल भी एग्जिट कर रहे हैं, तो आई थिंक द विचर की बहुत सी ऑडियंस तो ऐसे ही कम होने वाली है। वेल, जो भी है, द विचर के इस सीजन 3 को लेके मेरे तो यही ओपिनियंस थे, यानी कुछ चीजें अच्छी लगी तो कुछ चीजें डिसअपॉइंटिंग भी फील हुई। और आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और गदर 2 का जो ऑफिशियल ट्रेलर आया था उसके ऊपर भी मैंने बात की है। अब गदर 2 के लिए भी थोड़ा सा डर लग रहा है, उसके बारे में जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, टैप करो और देख लो। सो मिलता हूं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।